वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्विज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्विज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्विज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। आप इस क्विज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये पुरस्कार है डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु बायो फेंसिंग के प्रयोग का फैसला किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक रही? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को हाल ही में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा सौंपी गई पनडुब्बी का क्या नाम है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, INS खंडेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ने वाले दुनिया के 5 शीर्ष एयरपोर्ट में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 2 एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2019 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब हासिल हुआ? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नया राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रॉबर्ट ओ ब्रायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये राज्य है तेलंगाना। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक ऐप लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, दिल्ली राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 3 तलाक पर रोक लगाने वाले मुस्लिम महिला अधिनियम को LLB और LLM के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से खरीफ फसलें कौन सी हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है
बी। ये खरीफ फसलें हैं कपास, मूंगफली और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में संविधान के स्रोत और संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करने की तिथि स्पष्ट होती है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, एक और दो। तावा आपका झारखंड में मिलता है और निखिल या निखिल होगा, गलत हो गया है, ये मिलता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लैक्टोज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? उपरोक्त में से कौन सा सही है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, एक और दो। भारत संविधान का संघीय स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से प्रभावित है। ये थी आज की क्यूज। आपको ये क्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्यूज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।